नाउ व्हाट डज एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड मीन, क्या मतलब है इसका एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड का? तो देखिए, एनकाउंटर का मतलब हम आमतौर पर लेते हैं जो पुलिस एनकाउंटर करती है ना, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर है एक ऐसा सडन वाकया, अचानक जो पेश आया हुआ वाकया, उसको कहेंगे एनकाउंटर। सो एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड का मतलब क्या है कि एक ऐसा वाकया, एक खास वाकया जो अचानक हुआ है ना। सो एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। अब ये सबक है, मैं पढ़ूंगा, रीड करूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो जब मैं रीड करूंगा तो आपकी नज़रें जो है तो उस पैराग्राफ पे रहनी चाहिए। ओके, माय फादर वाज अ मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वेयर हाउस इन इंडिविजुअल बैंगलोर्स इनसाइड अ लार्ज कैंपस। Our house was in a corner of the campus. The officers' club was adjacent to the boundary wall of our garden. देखिए, यहाँ पर ये जो राइटर है तपन मुखर्जी, इंडियन राइटर है, इंडियन ओरिजिन का राइटर है, तो ये इंडियन राइटर कहता है कि इसके फादर का ट्रांसफ़र जो है, इसके फादर मेडिकल प्रोफेशनल थे, मेडिकल के फील्ड में काम करने वाले शख्स थे। ओके, और वो एक रानीगंज में, जो कि वेस्ट बंगाल में है, प्राइवेट कंपनी में वो काम किया करते थे। द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वेयर हाउस्ड इन इंडिविजुअल बंगलोज इनसाइड अ लार्ज कैंपस। और उन ऑफिसरों को बड़े बंगले दिए गए थे, जो एक बड़े अहाते में जो है तो बंगलोज उनके दिए गए थे। आवर हाउस वॉज इन अ कॉर्नर ऑफ द कैंपस। और ये राइटर का जो घर है वो कैंपस के, वो अहाते के जो है तो कॉर्नर में था। द ऑफिसर्स क्लब वॉज एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ अवर गार्डन। द कैंपस वॉज लग्जरियस विथ ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स एंड अ होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्रीज। अब वो कैंपस जो है उसके करीब ही गार्डन था, और वो गार्डन में बड़े बड़े मैजेस्टिक ट्रीज थे, कई सारे फ्लावर्स थे, कई सारी जो है तो ग्रीन ग्रास थी वहाँ पर, यानी वो गार्डन जो है तो फुल ऑफ नर्चर्ड था। द सीजन वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन्स ऑफ द हाउस होल्ड्स एंड द मैग्निफिशेंट ट्रीज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड स्क्विरल्स एंड मेनी स्पेसिस ऑफ बर्ड्स। ओके, अब कई सारे वहाँ पर दरख्त होने की वजह से कई सारे अलग अलग तरह के पंछी वहाँ पर आपको दिखाई देते थे। अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स had even made their den in an ashwata tree nearby. अब वहाँ पर एक बंदर की किस्म है लंगूर। ओके, तो ये बंदर जो है उन्होंने अपना डेरा बसाया वाला था एक झाड़ पर, उस झाड़ का नाम है अश्वता ट्रीज। They had all become a part and parcel of our existence and daily life. और ये बंदरों का आना जाना, या बंदरों को देखना, या बंदर के खेल कूद, उनके अहाते में, उनके आसपास, उनके कैंपस में, गार्डन में, वो ट्री पर, या फिर इनके समटाइम्स इनके घरों के सामने भी, तो ये एक आम बात थी, रोज़मर्रा की बात थी। अ स्मॉल इंसिडेंट ऑन अ सैटरडे आफ्टरनून लेफ्ट अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मी एंड अनफोल्डेड बिफोर माई आईज। A whole new dimension to the wonders of God's creation. अब Saturday afternoon में writer के साथ एक अचानक वाकया पेश आया, और जिस वाकये ने उसकी पूरी जिंदगी में उसका असर डाला। A whole new dimension मतलब क्या, कि जो वाकया नया था उसके लिए, इससे पहले ऐसा वाकया उसके साथ नहीं हुआ था। It was a few days into the puja vacation, just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published specially for children in the festive season. अब वो जो है तो festive season का दौर था, त्योहारों का मौसम था, और त्योहारों के मौसम में स्कूलों को छुट्टी होती है,
तो यहाँ पर राइटर बयान करता है कि छुट्टी के दिनों में हम क्या करते हैं, बहुत सारा फन करते हैं, बहुत सारी न्यू कॉमिक बुक्स या स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं। तो राइटर भी कहता है कि दोपहर में खाना खाने के बाद, पूजा वगैरह सवेरे हो गई और उसके बाद दोपहर में खाना खाने के बाद राइटर एक कहानी की किताब पढ़ने के अंदर मशगूल था, एंग्रॉस्ड था। आफ्टर अ हार्टी लंच माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप एंड आई सेटल डाउन विद अ स्टोरी बुक। और दोपहर के बाद इस राइटर के, तपन मुखर्जी के पेरेंट्स और उसका जो यंगर, उसकी जो यंगर सिस्टर है, छोटी बहन, और उसके जो माँ बाप है, वो दोपहर में खाना खाने के बाद आराम करने लगे और राइटर ने फिर एक स्टोरी बुक लिया और स्टोरी बुक वो पढ़ने लगा। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर अ रीडिंग एंड एडवेंचरस स्टोरी। द साइलेंस वॉज ओकेजनली ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग, द इंटरमिटेंट चॉपिंग ऑफ हाउस स्पैरोज, द हार्श क्राउइंग ऑफ क्राउ, द श्रिल कॉल ऑफ अ काइट फ्लाइंग हाई अबव द ग्राउंड। अब दोपहर का एकदम खामोश वक्त होता है, घर वाले भी सो रहे हैं और इस खामोशी में राइटर जो है तो एक स्टोरी बुक लेकर पढ़ते बैठता लगता है और उसको जो है तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि घर वाले जब सो रहे तो थोड़ा सा घूर रहे हैं, या फिर कभी पतंग उड़ाने की आवाज़ भी आ रही है या फिर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ भी वहाँ पर आ रही है, लेकिन ये शोर इतना नहीं था जिससे जो है तो राइटर को डिस्टर्ब हो सके। राइटर अपने स्टडी में मशगूल है। मिनट्स टिक्ड बाय, आई बिकेम डीपली अब्सॉर्ब्ड इन द बुक्स। और कुछ ही देर के बाद जो है तो राइटर पूरी तरह किताब के अंदर खो चुका। सडनली आई हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्यूरियसली इन द डिस्टेंस। और अचानक ही राइटर को सुनाई देता है कि उसके घर के कुछ फासले पर बहुत सारे डॉग्स जो है तो भौंक रहे हैं। आई चूज टू इग्नोर द कमोशन थिंकिंग दैट द पैक्स ऑफ डॉग्स माइट हैव कॉर्नर्ड अ हैपलेस पिग। अब राइटर को लगता है कि राइटर इग्नोर करता है क्योंकि आम मर्रा की बात है, रोजमर्रा की बात है ये कि कुत्ते भौंक रहे हैं, हो सकता है कोई पिग जा रहा होगा और उसको वो भौंक रहे हैं, तो राइटर वहां पर इग्नोर करता है और फिर से अपनी पढ़ाई में वो लगता है। बट सून द बार्किंग बिकेम लाउडर एंड मोर अग्रेसिव एंड द अलार्म्ड कैविंग ऑफ फ्लॉक ऑफ क्राउज एडेड टू द कोकोफोनी। और राइटर फिर से पढ़ाई में लगता है और इतने में क्या होता है कि वो कुत्तों की आवाज बढ़ते ही जाती है और इतने में जो है वो कुत्तों का साथ जो है तो कव्वे भी देने लगते हैं, कव्वे भी जो है तो आवाज़ें निकालकर शोर मचाते हैं और कुत्तों की आवाज़ में वो अपनी आवाज़ें मिलाते हैं। आई ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर। और फिर राइटर को लगता है कि वो आवाज़ करीब करीब आ रही है। क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी। अब राइटर ये तय कर लेता है कि ये रोजमर्रा की आवाज़ तो नहीं है, शायद कुछ तो भी स्पेशल हुआ है। Leaving the book aside, I rushed to the veranda to see what was going on. तो फिर वो क्या करता है, किताब साइड में रखता है और सोचने लगता है कि क्या हुआ होगा। राइटर सोचने लगता है कि क्या हुआ होगा। I glanced towards the roof of the clubhouse and saw something horrible. A big male langur, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over with a definite intent to kill. अब राइटर जो है तो खिड़की पे जाता है और देखने लगता है कि क्या हुआ है। तो राइटर जो नज़ारा देखता है वो देखकर वो बड़ा चौंक जाता है, डर जाता है, क्योंकि एक बड़ा सा मेल लंगूर है जो कि शायद उस ग्रुप का बॉस है। तो वो जो मेल लंगूर है वो क्या करता है, बहुत ही बेरहमी से एक छोटे से बंदर के बच्चे को अपने मुंह में उठाता है और उसको पटकने लगता है, इस तरह से उसको मारता है जिससे यकीन हो जाता है राइटर को कि शायद ये उस छोटे से बच्चे को मारने वाला है। द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी एंड द अदर लेजर मेंबर्स ऑफ द लंगूर ग्रुप वेयर स्कैटर्ड ऑन द रूफ्स ऑफ द
बिल्डिंग्स नियर बाय वॉचिंग द बेबी बींग किल्ड। अब वो जो छोटा सा बच्चा है, उसकी माँ और कई सारे बंदर आसपास दौड़ने लगते हैं, लेकिन वो मेल लंगूर के करीब नहीं आते हैं और वो सिर्फ देख रहे हैं कि किस तरह वो बच्चे को मार रहा है, और वो देखकर एंजॉय नहीं कर रहे हैं बल्कि वो मजबूर है, क्योंकि अगर ये करीब जाएंगे तो वो मेल लंगूर इनको भी शायद मार दे। आई रिकॉल द टेरिबल कस्टम इन द एनिमल्स क्लैन अकॉर्डिंग टू विच अ डोमिनेंट मेल यूजुअली डज नॉट अलाउ अनदर मेल बेबी और अडल्ट टू सर्वाइव विद इन इट्स ग्रुप। अब ये जानवरों में आपस में लड़ाई आम बात है। जानवर क्या करते हैं, कोई बाहर का अगर जानवर आ गया, चाहे वो डॉग हो चाहे वो बंदर हो, कोई बाहर का अगर जानवर आ गया तो वो उससे के साथ लड़ाई करके उसको भगा देते हैं। तो वो राइटर को याद आता है कि शायद इसी तरह का कुछ मामला होगा। विदाउट लूजिंग एनी टाइम आई गैदर्ड अ स्टॉक स्टिक इन वन हैंड एंड हर्ल्ड अ पीस ऑफ स्टोन एट द मराडिंग लंगूर। द लंगूर वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड दैट इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माई असॉल्ट। अब राइटर क्या करता है, अचानक से एक लकड़ी ढूंढ लेता है, अपने हाथ में लकड़ी पकड़ता है और एक हाथ में पत्थर पकड़ के उस लंगूर की तरफ वो पत्थर फेंकने लगता है। और अचानक ये जो असॉल्ट हुआ, ये जो हमला हुआ, तो पहले तो वो मेल लंगूर उसको इग्नोर करता है। बट देन आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स, द डॉग्स ऑन देयर पार्ट रेज देयर पिच ऑफ क्राई। और राइटर क्या करता है, और ज्यादा पत्थर बरसाने लगता है, और राइटर का साथ कुत्ते भी देते हैं, कुत्ते भी अपनी आवाज जो है तो बढ़ाने लगते हैं। द चेंज सर्कमस्टेंसेस एंड द सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स फोर्स द लंगूर टू ड्रॉप द बेबी फ्रॉम द स्लॉपिंग रूफ ओवर द वरांडा। अब ये जो अचानक हमला हुआ है, अचानक ये जो तसादुन हुआ है, उसकी वजह से वो मेल लंगूर घबरा जाता है और वो छोटे से बच्चे को वहीं पर ड्रॉप कर देता है, वहीं पर गिरा देता है। द बेबी वॉज लिस्टलेस एंड अपीयर टू बी डेड। अब वो जो बेबी लंगूर होता है वो ऐसा नजर आता है जैसे वो मर चुका है। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक्स ऑफ डॉग्स ग्रीव मैनिफोल्ड एट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ अ गुड किल एंड मिल। अब कुत्ते ये नजारा देखते हैं और ज्यादा ही खुशी के मारे आवाज निकालने लगते हैं। कुत्तों को लगता है कि अब हमारा खाना जो है तो तैयार होगा, शायद वो बंदर जो है तो मर चुका है, ऐसा कुत्ते समझने लगते हैं। कीपिंग द डॉग्स एट बे विथ अ स्टिक आई मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर टेल जस्ट एज इट टिप्ड ओवर द एज ऑफ द टाइल रूफ। द बेबी अपीयर्ड इनर्ट एंड लाइफलेस, इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी। अब क्या होता है, कुत्ते जब सामने आने लगते हैं तो राइटर अपनी लकड़ी से कुत्तों को कंट्रोल करता है, और वो बंदर जब गिरने लगता है नीचे तो एक हाथ से उसको उसकी दुम को वो पकड़ने में किसी तरह कामयाब हो जाता है। अब वो बंदर का जो बच्चा है वो एकदम लाइफलेस नज़र आ रहा है, एकदम ऐसा नज़र आ रहा है जैसे उसकी जान जा चुकी है। बाय दिस टाइम माई पेरेंट्स एंड सिस्टर्स हैड came out on the veranda and were witnessing my rescue operation. Some of our neighbors had also gathered in the distance. अब इतने में राइटर की बहनें और राइटर के माँ बाप भी जो है तो जाग जाते हैं और वो देखते हैं कि किस तरह राइटर ने उस बंदर को जो है तो बचाया, और इतने में पड़ोसी भी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. His body was full of deep bite marks and scratched. Blood was oozing from some of the wounds. अब राइटर क्या करता है, उस बेबी लंगूर को लेकर आता है उनके आंगन में और उसको एग्जामाइन करने लगता है, तो पता चलता है कि उस बेबी लंगूर को कई सारे जख्म हुए हैं, गहरे जख्म हुए हैं। Blood was oozing from some of the wounds. The baby remained motionless. My father provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding. I was relieved to find out that the baby was breathing, even though his breaths were shallow. अब इतने में राइटर के
फादर आते हैं और उस बेबी को फर्स्ट एड देते हैं, फर्स्ट ट्रीटमेंट देते हैं। और वो बेबी लंगूर का बहुत सारा खून बह रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही है, भले उसकी सांसें जो है तो रुक रुक कर चल रही है। स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड वाटर मेड द बेबी स्टिर एंड आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्ट्स ही सैट अप। ही वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक एंड स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग लाइक अ लीफ इन द विंड। और कई सारी कोशिश करने के बाद वो बेबी लंगूर जो है खड़ा होता है, लेकिन वो बेबी लंगूर की कैफियत ये है कि वो बड़ा शॉक में है, बड़ा परेशान है कि उसके साथ ये क्या हुआ है। और वो इस तरह से परेशान है, ऐसा राइटर यहाँ पर कहता है, जिस तरह से दरख्त से गिरा हुआ पत्ता होता है कंफ्यूज होता है, उसी तरह ये बंदर भी कंफ्यूज है। ही इज टू लिटिल ट्विंकल आइज ट्विंकलिंग आइज वेल्ड अप विद टीयर्स एंड ही स्टार्टेड टू सॉब विद अ मफल क्राई जस्ट लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड वोंड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रामा। और वो बंदर सिस्कारिया लेने लगता है, इस तरह से वो सिस्कारिया लेता है मानो इंसान का बच्चा हो। आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना विच ही एक्सेप्टेड विथ हिज अनस्टीडी हैंड एंड बिगेन टेकिंग हेजिस्टेंट बाइट्स। और फिर राइटर उसको एक बनाना ऑफर करता है, बनाना देता है, तो वो बच्चा बनाना ले लेता है और उसको खाने लगता है। My attention was fixed on the revival of the baby langur. Suddenly I had an uncanny feeling of being watched. और राइटर की नज़रें उस मेल लंगूर के तरफ है कि कहीं वो दोबारा अटैक ना कर दे, लेकिन अचानक राइटर को नज़र आता है कि कोई तो भी राइटर की तरफ देख रहा है, राइटर के ऊपर किसी ने तो भी अपनी नज़रें जमाई रखी है। I turned away from the coop and look up. There sat the mother langur on our kitchen roof, watching every move I made. और राइटर क्या देखता है कि वो जो बच्चे की माँ है, बेबी लंगूर की जो माँ है बंदरनी, तो वो दूर से राइटर जो भी हरकत कर रहा है, उसके बच्चे को सेव करने की कोशिश कर रहा है, वो सारा नज़ारा वो बंदरनी देख रही है, as if convinced that no harm was being done to her child. मानो वो बंदरनी ने तय कर चुकी है कि आप अपने बच्चे को कोई खतरा नहीं है, यानी अपना बच्चा आप सेफ है। Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother and started to sob and cry a little louder. और इतने में अचानक वो जो बच्चा है उसको भी एहसास होता है कि उसकी माँ आसपास ही है, तो वो अपना रोने की आवाज थोड़ी सी बढ़ा देता है। I retreated from the door of the coop to allow the mother access to her baby. और राइटर क्या करता है, इस तरह की हरकत करता है जिससे साफ पता चलता है कि वो बंदरनी के माँ को जो है तो अंदर आने देना चाहता है और अपने बच्चे के पास जाने की इजाज़त देता है। Immediately the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. और फिर वो जो बंदर की माँ है वो आ जाती है अंदर और अपने बच्चे को सीने से लगा देती है। She gave the baby a thorough body inspection to check his injuries and then cuddled him tightly in her bosom. और वो बंदरनी क्या करती है, अपने बच्चे को चेक करने लगती है कि कहीं उसको गहरी जख्म तो नहीं है, और उसके बाद उस बच्चे को गले से लगा देती है एकदम टाइटली। द बेबी फाउंड ग्रेट सोलेस इन हर कैरिंग आर्म्स। द मदर सैट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप फॉर अ फ्यू मिनट्स। और वो बच्चा भी जो तो बड़ा सुकून पाता है अपनी माँ की गोद में, और वो जो बंदर है, बंदरनी है, वो वहाँ पर कुछ देर बच्चे को अपने मांडी पर ही बिठाती है। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज पॉन्डरिंग ओवर हर ऑप्शंस एंड ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम द फर्दर असॉल्ट। और इस तरह वो बंदरनी बैठती है वहाँ पर, मानो वो सोच रही है कि अब मैं अपने बच्चे को किस तरह से हिफाजत से यहाँ से निकालूं। फॉर अ फ्यू सेकंड्स द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज। और उसके बाद वो बंदरनी राइटर की आंखों में आंखें डालकर देखती है, मानो वो शुक्रिया अदा करना चाह रही है इस राइटर का। इवन टूडे आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक्ड इन हर आईज, showering silent gratitude on me for saving her child.
और राइटर कहता है कि आज भी वो जो जिस तरह से वो बंदरनी उसके आंखों में आंखें डालकर देख रही थी, मानो वो शुक्रिया अदा करना चाह रही हो कि उसने उसके बेटे को बचाया, तो आज भी उस राइटर को वो जो असॉल्ट है, वो जो नजारा है, वो इंसिडेंट है, वो उसको याद आने लगता है. आई वॉज ओवरवेल्म बाय द इमोशंस, द सेंटिमेंट एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी. अब देखिए राइट, वो जो बंदर है उसने कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं की शुक्रिया कहने के लिए, लेकिन जिस तरह से वो बंदर देख रही थी, इसका साफ पता था कि वो बंदरनी जो है तो शुक्रिया अदा कर रही है राइटर को. आई वॉज ओवरवेल्म बाय द इमोशन द सेंटिमेंट एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी. There sat a universal mother holding a stricken child in her lap. Then in a flash, she jumped with a baby clinging to her belly and reached our kitchen roof. She surveyed the area for the vicious male langur and then leaped away in the direction opposite to the place of the violent encounter. फिर उसके बाद वो बंदर ने अपने बेटे को जो है तो अपने बच्चे को बेबी लंगूर को जो है उठाती है और फिर खिड़की के रास्ते से उसको सेफ जगह पर वो लेकर जाती है. द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर कन्विंस्ड मी दैट एंटरप्राइजेस कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट इज इंडीड टू रियलिटी एंड शुड एनीवन स्ट्राइक द राइट कॉर्ड द रिलेशनशिप हम्स इनटू एक्शन. द मदर लंगूर शोड मी दैट फूड वॉज नॉट the only means of communication between man and animal, but that there were other means of establishing a bond through trust, compassion and mutual understanding. अब राइटर यहाँ पर ये कहता है इस वाक्य से कि देखिए सिर्फ जानवरों को खाना देना और उनसे राब्ता करना, उनसे बात करना, कम्युनिकेशन करना, ये नहीं होता है. सिर्फ खाना देने के अलावा भी कई सारे तरीके होते हैं जिनसे आप उनकी मदद कर सकते हो, जिनसे उनसे बात कर सकते हो, जिस तरह से ये राइटर की और वो बेबी लंगूर की जो है तो माँ की जो है तो बात हुई है ना, जिस तरह से उस बेबी लंगूर की माँ ने जो है तो राइटर का शुक्रिया अदा किया है, तो वहाँ पर कोई अल्फाजों का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन हुआ है, जज्बातों का जो है तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और वहां पर थैंक्स कहा जा चुका है. ओके, 55 years हैव पास सिंस दैट डे. अब राइटर कहता है कि इस वाकये को गुजरे हुए 55 साल हो चुके हैं. 55 साल पहले का वाकया राइटर यहां पर अपने को सुना रहा है. आई एम नाउ 70 years old. और राइटर कहता है कि अब मैं 70 साल का हो चुका हूं, बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड. लेकिन राइटर कहता है कि वो एक अजीब किस्म का जो वाकया था, सडनली अनएक्सपेक्टेड जो इंसिडेंट था, जिसको हम एनकाउंटर कहते हैं, तो राइटर कहता है